सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टॉर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। और आज विलेजर ईस्पोर्ट्स और अपत्रस ईस्पोर्ट्स के टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल का लास्ट डे था, जो कि दोनों टूर्नामेंट ख़त्म हो गए, जिसमें विलेजर ईस्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में चैंपियन बनती है गॉड्स रेन, सेकेंड पे आती है 8bit और थर्ड पे रेवनेंट ईस्पोर्ट्स से। विलेजर ईस्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में टीम सोल #14 पे है और अपत्रस ईस्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में चैंपियन बनती है 8bit, सेकेंड पे ब्लाइंड है, थर्ड पे ग्लैडिएटर है और टीम सोल #4 पे है अपत्रस ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में। बाकी आपको बताइए, ग्लेजर गेम्स का भी टूर्नामेंट चल रहा है और वो कल से स्टार्ट हुआ था, बाकी उसमें टीम सोल अभी #1 पे चल रही है। सो ये था पॉइंट टेबल एंड ऑल, और आपको MVP लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो में टीम सोल का आज का 4 चिकन डिनर देखने को मिलने वाला है, जिसमें से अब थ्रस्ट के टूर्नामेंट में टीम सोल ने 3 चिकन डिनर निकाला था और एक ग्लेजर गेम्स के टूर्नामेंट में निकाला है 1 चिकन डिनर। और बस अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। कोशिश करते हुए दोनों प्रोन हो गए। अरे आप ले तक नहीं, गाड़ी लेके निकल के जाना चाहते हैं, बट क्या उस गाड़ी को ट्रेस किया जा सकता है? NTD के प्लेयर पहुंच करेंगे, टेस्टो को यहां पे डाउन करेंगे, जस्टिन भी यहां पे नॉक हो चुके हैं। डेल्टा पीजी ने यहां पर एक बढ़िया मूव बनाया तो है, बट क्या स्मोक के भीतर कुछ शॉट कनेक्ट कर पाएंगे? शायद नहीं। अब बचेंगे शोगन, हाथ में AKM विदाउट शॉटगन और डाउन हो जाएंगे। रेवेनेंट ने ये पुश बहुत बढ़िया संभाला है। थोड़ा सा एंड गेम के अंदर पैनिक जरूर होती थी कि ग्लैडिएटर्स की स्क्वाड अर्ली इन द मैच एलिमिनेट हो चुकी है, ब्लाइंड भी, बट क्या 8bit का अभी भी एक खिलाड़ी बचा है। एक बार उनका POV दिख जाए तो शायद पता चले डाउन होता नजर आ सकता है। बिल्कुल पीक पर है अभी प्रिसाइसली। और देखिए गबला बॉय की हम बात कर रहे थे, 9 फर्स्ट सेट किट है। जैक जैसे टीम सोल अपने नाम करे, बट एक ही करके फिर जून के बाहर जा रहे हैं। और अब टीम सोल ने रियलाइज करे कि भाई इससे प्लेयर सारे ही एलिमिनेट हो जाए, चलती गाड़ियों से ही हम एलिमिनेट कर लेंगे। जो मैंने सही बोला था, 8 ही हो गए अब और कोई कैजुअलिटी नहीं है। जो बचे प्लेयर जून के बाहर है, बड़ा ही इजी, बढ़िया सेकंड एरर। टीम सोल के नाम ऑलरेडी मैं अनाउंस कर देता हूँ, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि जो प्लेयर जून के बाहर है। ओके, एक मिनट, न्यूमन का प्लेयर है वो? न्यूमन का है क्या? वो न्यूमन का प्लेयर है। स्टार्टिंग में 3 खिलाड़ी इनके डाउन हुए थे सविटार। वाओ, बेशक आपके पास फ्रैग नहीं है, लेकिन मायवी मैं फिर से रिकॉल करना चाहूंगा, मायवी इसने यही बोला था कि न्यूमैन अगर यहां से आप एलिमिनेट हो रहे हैं तो एटलीस्ट 6 से 7 पॉइंट एकत्रित करके चाहिए। 7 पॉइंट, मतलब ये तो हम भी खुद शॉक हो गए, हमने ध्यान भी नहीं दिया, हमने शायद अलाइव स्टेटस उस समय पे इतना ध्यान से नहीं पड़ा होगा, क्योंकि हमारी पूरा फोकस फ्री स्पीड पे चल रहा था, अकेले खिलाड़ी। चलिए 7 अंक तो लेके जाएंगे, बट अगर आप एम साथ देंगे क्या पता कुछ नॉकआउट मिल जाए, बट कोई फायदा नहीं मिलेगा। बेटर कि आप अपना फ्रैग प्ले जोन के एक खाते में जा दीजिए। अब लेने के चक्कर में देके नहीं आना है, क्योंकि न्यूमन और टीम सोल के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। 1 पॉइंट से बहुत कुछ हो सकता है, ये मैं जानता हूं जी, और वो भी इन्हीं प्लेयर्स के अगेंस्ट में। यही टीम थी जो 1 पॉइंट से हमें पीछे कर गई थी एक बार, तो वो 1 पॉइंट की वैल्यू। बट यहाँ पर अभी प्लेयर को स्पॉट किया, डैमेज दिया, मत दो किसी को, पॉइंट मत दो, अपना यहाँ पर आराम से जोन को एलिमिनेशन आप दे दीजिए। अच्छा वहाँ पे कुछ फ्रैग निकाल पाई, ये ग्रेनेड जाएगा। मेडल स्पोर्ट्स के लिए चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है, मतलब तो आप बात ही कर रहे थे इसलिए कि उस कॉर्नर में फाइट होने के चांसेस एग्जैक्टली वो होता हुआ देखने को मतलब बड़ा शॉट। बहुत ही सारा समझदारी से आगे बढ़े, अपोनेंट को स्प्रे करने दिया गया, रियलाइज होने दिया कि अब वो नहीं आएंगे, और उसके बाद जो निकले एक अच्छा नॉक यहाँ पर निकालते हैं। पैन भी मिल वाले यहाँ पे कहीं पे देखने को मिल रहा है। चलिए वो गेम का बहुत ही अच्छा एक पार्ट है जहाँ पे थोड़ी मस्ती मजाक चलती है। अक्षत एक और ग्रेनेड यहाँ पे करना चाह रहे, जिसका कुछ खास फायदा होगा नहीं, ओमेगा को गवा चुके हैं, लेकिन अपोनेंट के भी 1 खिलाड़ी को बाहर किया गया। ये 3 खिलाड़ी देखते हैं क्या चीजों को बेहतर करके यहाँ से निकल पाएंगे या फिर नहीं। देखिए जब आप टीम अलादीन जैसी अमेजिंग टीम के अगेंस्ट फाइट लेते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप 4 मैन सर्वाइव कर जाए, एक ना एक कैजुअलिटी होती है। अगर पूरा एक वेस्टर्न साइड पर आ चुका है, ब्लाइंड और टीम सोल की एक बढ़िया फाइट जो है वो शुरू हो चुकी है। फिनिश अभी जब नहीं निकले हैं, जो नॉक करा था उसका पूरा फायदा मिलेगा। ओमेगा का वो ग्रेनेड जोकर को करेगा फिनिश। नकुल की HP बहुत ज्यादा डाउन है, बट रॉनी ने वहां ओमेगा को नॉक किया है। अक्षत ने ट्रेड निकाला है, मान्या भी डाउन हो जाएंगे। नकुल और रॉनी पर जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी आज, इस पावर की गैर मौजूदगी में थोड़ा सा लड़खड़ाते नजर तो आए हैं वैसे ब्लाइंड के प्लेयर्स। रॉनी थोड़ा सा अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, एक अच्छा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। नकुल उन्हें सपोर्ट देना तो चाह रहे हैं, बट आई थिंक उनके पास कुछ बहुत ज्यादा थ्रोएबल्स मौजूद नहीं है। डाउन द ब्रिज जाना चाहेंगे हिट करने के लिए, जहां पर इन्हें स्पॉट आउट ना किया जाए और पोजीशन पॉइंट्स मिल सके। बट रॉनी एक बार फिर से कुछ शॉट्स लेके जाएंगे, एक बार फिर से बचेंगे, शायद इस बार नहीं, नियो करेंगे रॉनी को डाउन। नकुल क्या आप उनसे उनकी 10 से 11 हीलिंग इकट्ठी की हुई निकाल सकते हैं? शायद नहीं। एक्वानॉक्स
स्टिल लुकिंग फॉर दोज नॉकआउट जो उन्हें इस मैच के कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। टीम सोल अगर सारंग में कैपिटलाइज करती है तो आज के दिन का ये इनका दूसरा मुकाबला होगा जो टेबल में एक अच्छी छलांग इनके लिए लेकर आएगा। अक्षत करेंगे शैडो को डाउन, सामने गॉड्स इनके ब्लेज जिन्हें नॉक किया गया था, उन्हें रिवाइवल मिल चुका है। अटैक बॉक्स का एक ग्रेनेड जो पहले जा रहा था न्यूमन पे वो अब आ चुका है अक्षत पे जो उन्हें डाउन करके जाएगा। ओमेगा अभी यहां पर बूस्ट अप करेंगे, सभी तार का नेड निंजा को डाउन करेगा। नेड परेड यहां पर हो चुकी है, हर टीम का खिलाड़ी रैंडम ग्रेनेड्स कर रहा है और कुछ ना कुछ उनका फायदा मिल रहा है। रेक्स रॉबिन को भी नॉक कर चुकी है, गॉड्स इनकी इक्वेशन खराब हो चुकी है। टीम सोल अगर रिवाइवल दे देती अक्षत को तो एक बहुत ही बढ़िया नंबर्स एडवांटेज के चलकर टिकट डिनर लेकर जा सकते हैं। गाड़ी से उतरेंगे, उतर के नॉक भी करेंगे। एक्विनॉक्स से यहां एक छोटी सी गलती जरूर हुई बट रिवाइवल का शायद चांस नहीं मिलेगा बिकॉज़ पुश करके वहां पर गिल ने डीबीएस से एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्लेयर्स को डाउन करा। इक्वेशन यहां पे स्पॉट कर ली गई है टीम सोल के लिए। ये आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर हो सकता है। ग्रेनेड्स करना चाह रहे हैं ओमेगा बट उनके पास वो ग्रेनेड्स मौजूद नहीं है। डाउन द रेंज वहां पर जानते हैं खिलाड़ी मौजूद है, अच्छा टाइम बाय करेंगे। इक्वेशन दोनों के पास बढ़िया, 4v3 की बैटल, सविदार का नॉक आएगा और अब सिर्फ दो ही प्लेयर्स को डाउन करना है। टीम सोल सैनोक में अपने इस आए हुए जोन के फेवर का पूरा फायदा उठाता हुआ। बिल्कुल काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे मौका मिल चुका है टीम सोल के पास, जो चार खिलाड़ी वो एक एक करके आगे जाएंगे और न्यूमैन के लिए हमें बचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साबित हो रहा है क्योंकि गिल को यहाँ पे अक्षत जाके सीधा डाउन करेगा। इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी पूरी कोशिश। और अब देखिए यहाँ पे इस बॉडी वर्क के बैटल में हेक्टर आगे गए, बड़े आराम से यहाँ पे ट्राई था लेकिन रेक्स की तरफ से यहाँ पे हेक्टर को डाउन किया गया, मैच से यहाँ पे बाहर भी कर दिया जाएगा। लेकिन रेक्स पीछे इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे तरफ आए, हम यहाँ पे आपके तरफ आएंगे नहीं। यही पर ही समाप्त कर दी है बट अंक कितने हैं यहाँ पर, ब्लाइंड स्पोर्ट्स के फ्रैग कितने हैं ये अभी के शायद हमें उनके पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर जान पाएंगे। टीम सोल ने देखी तो जरूर है उस फाइट को होते हुए लेकिन फायदा पर टीम सोल 8-bit ब्लाइंड जेनेसिस भी यहाँ पर बची हुई है और ग्लैडिएटर्स और सशस्त्र मेडल स्पोर्ट्स का भी एक खिलाड़ी यहाँ पर जीवित नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच इस भिड़क के दौरान टेटर्स की शोगन को फिनिश कर दिया है और यहाँ पे जोकर के ऊपर भी शॉट्स आते हुए, जोकर को भी एक्टर करेंगे टेक डाउन। नो दैट वाज अक्षत, टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स वक्त बदल गए, डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स नजर आते हुए सर्कल के अंदर काफी कॉन्फिडेंटली बढ़ रहे थे लेकिन टीम सोल फाइनली फाइट्स बैक। द फैंस मस्ट बी वेरी हैप्पी सिटिंग ऑन देयर रॉकेट, दे आर एक्चुअली ट्रैवलिंग टू स्पेसेस राइट नाउ। पर अभी के लिए ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स को तारे दिखा दिए हैं लेकिन जोडिया का रिवाइवल वापस से टीम सोल के लिए बहुत भारी हो जाएगा। अगर जोकर का रिवाइवल हो जाता है जोडिया द्वारा तो देखते हैं जोडिया तो नहीं गए रिवाइव करने के लिए, रॉनी आ चुके हैं लेकिन अच्छी बात है स्मोक्स आ रहे हैं बार बार, लेकिन टीम सोल अभी भी अलाइव एंड किकिंग। लेकिन आप ये देखिए आप पर इनसे कि ग्लैडिएटर्स का लेट रोटेट करना उनके ऊपर भारी पड़ता नजर आया। ब्लाइंड को तो अंदाजा तक भी नहीं था कि जोकर नॉकआउट हो रखे लेकिन रॉनी उनको फिर से यहाँ पर नॉकआउट किया जाएगा। टीम सोल फिर से स्ट्रगल पे ट्रबल पे लेकर आ रही है। ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी तो प्रे कर रहे होंगे जितना जल्दी हो सके टीम सोल यहाँ पर स्प्रे करके ब्लाइंड स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करे। बट किस्मत जोकर आपने इतना कमाल का वो नॉकआउट निकाला था, वहां पर रोंगटे चले गए थे उनके ऊपर अभी भी रैंडम स्प्रे आ जा रहे हैं। लेकिन मेडल स्पोर्ट्स का खिलाड़ी मैं तो नहीं निकलूंगा, मैं तो स्मोक्स की जरूरत है लेकिन टीम सोल के पास है हाइट का एडवांटेज है। ड्यूएल ये अपीलिंग सा शॉट आता हुआ, नियो करेंगे रॉनी को टेक डाउन। टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स सीम्स लाइक दे गोना गेट सप्रेस्ड एंड सीम्स लाइक टीम सोल राइडिंग द रॉकेट्स एंड दे आर गोना गेट टू द चिकन डिनर एंड दे गोना टेक इट टू द स्पेसेस एज वेल एंड वी आर इनटू द फाइनल मोमेंट्स ऑफ आवर इवेंट। आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, जोकर यहाँ पे वहां पे तो टेक डाउन हो चुके हैं इट सीम्स लाइक, लेकिन चलिए आखिरी खिलाड़ी इट्स गोना बी अ 1v4 सिचुएशन। टॉप डॉग गए और अब 1v4 एंड देयर वी गो विद अ ब्रिलियंट विनर चाहे आई में सर की एचपी कम है, हॉस्पिटल पे है तो कोई बात नहीं इलाज तो हो ही जाएगा। बट हेक्टर क्या अपनी इस व्हीकल का इस्तेमाल करके राइट साइड से जाकर एक एंगल बना सकते हैं? वेल राइट तो नहीं बट लेफ्ट साइड से एक एंगल या फिर एक डायरेक्ट पुश कुछ भी आपके सामने यहां पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट बॉयज एंड गर्ल्स अब आप अपनी कुर्सी की पिटिया बांध सकते हैं बिकॉज इट्स गोना बी टीम सोल वर्सेस गॉड लाइक नियो। हाथ में डीबीएस लिए आगे गए थे, इन्फॉर्मेशन गैदर करके आ चुके हैं। प्लस गॉड ने फिलहाल सोल आईजीएल ओमेगा को डाउन करा है, बगी से रन आउट करना चाह रहे थे नियो, दो से तीन प्लेयर्स उस बगी के रडार में आ सकते थे बट यहाँ बगी घूमती रह गई और इधर टीम सोल के तीन प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं। शैडो रहेंगे गाड़ी के पीछे, स्पॉट करना चाहेंगे डीबीएस का एक शॉट कनेक्शन, पहला मिस हुआ दूसरा मिस हुआ क्या तीसरा यहाँ पर शैडो को कनेक्ट कर पाएंगे? जिगल बड़ी तेज कर रहे हैं, मेरी आंखें दर्द हो गई यहाँ पर जिस हिसाब से जिगल कर रहे हैं। बट गाड़ी का अच्छा घुमा रहे हैं शैडो, बढ़िया टाइम बार कर रहे हैं और इतनी देर में पीछे से कवर भी आ जाएगा सी गॉड का, कमाल की बात है यहाँ पर डीबीएस का कितनी तेजी से घुमा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर कनेक्शन मिल गया तो नियो विंग द सेवियर तीनों प्लेयर्स को बचा जाएंगे।
अभी के लिए तो काफी सारे फ्रैग्स आ चुके हैं, लेकिन VLT का स्क्वाड नजर आता है विद 6 फ्रैग्स। ओह ये फ्रैग कितनी और निकाल पाएंगे, इनके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम सोल ग्लिच गॉड को ग्लिच आउट कर दिया है अभी के लिए लॉबी से। टारगेट स्पार्टन्स एकमात्र टीम जिसके एक खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन सोल नॉट ओजी कम्स अप विद अ ग्रेनेड, कसर के ऊपर एक भी कसर नहीं छोड़ना चाहती टीम सोल इस बार, क्योंकि इन्हें पता है बाज ऑफिशियल बहुत शानदार टीम है। कसर को एक और ग्रेनेड डाला गया और कसर को लॉबी की तरफ रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन अभी पुश करते हुए नजर आ रहे हैं एक्टर, टीवीएस का इस्तेमाल करेंगे राइट अवे, टर्बन को साथ ही साथ बी शॉट को भी कर दिया है एलिमिनेट। आठ फ्रैग निकालते हुए नजर आ रहे हैं, आश ने जेनेक्स मोक्स को टेक डाउन कर दिया है और अमेजिंग सी फाइट होती हुई, लेकिन विशु एजे को टेक डाउन करेंगे, मोक्स भी डाउन होते हुए यहाँ पे गुजरात टाइगर बहुत बड़ी मुश्किलों में, बूट कैम इनका घर था लेकिन तीन प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। गॉबलिन ने टर्बन को टेक डाउन कर दिया है, बाज बी शॉट को टेक डाउन करेंगे और हेक्टर, बाज बी शॉट को टेक डाउन कर दिया हेक्टर कसर के साथ साथ। इट सीम्स लाइक टीम सोल ने ड्रॉप लेते साथ ही स्कोर वाइप कर दिया है। हेक्टर अंदर पुश करेंगे और दूसरी तरफ से ओमेगा भी शॉट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिल चुका है नॉक और राइट में फिनिश। बट हेक्टर नाराज होंगे, बोलेंगे यार मैं जा रहा था आपने फ्रैग निकाल लिया। गिरिराज लो एचपी पे है, दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन गॉब्लिन करते हुए गिरिराज को, वाह 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 क्या बात है। आई होप हमारी जनता यहाँ पे पूजी नजर आते हुए काफी डिस्टेंस पे। हेक्टर एंड नियो दो फ्रैग हेक्टर के खाते में है और अभी थोड़ा सा खौफ तो है, अंडरडॉग्स का खौफ तो है। और इसी बीच ओ माय गॉड हेक्टर का ये अमेजिंग सा ग्रेनेड बैक टू बैक आटो को भी डाउन करेगा, दो फ्रैग निकल चुके हैं और हेक्टर दो फ्रैग को कंफर्म करने के लालच में कोई गलतियां ना कर बैठे, क्योंकि नियो के ऊपर भी फ्रैग जाते हुए। नियो अपने आप को रिपोजिशन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके एनिमीज को आपकी लोकेशन का पता है। इस पोजिशन पे नियो अगर लॉक होते हैं तो हेक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बचा पाना। बट चलिए राइनो हंटर ओजी डाउन है पानी का सहारा लेके, अब दूसरी तरफ जाने के इंतजार में हेक्टर पानी की तरफ जाएंगे। हेक्टर के पास भी फ्रैग निकालने का मौका, प्लेयर वन को शॉट देंगे, राइनो गुरु ओजी को शॉट लगे तो है लेकिन वो कवर पे आ चुके हैं। प्लेयर वन पे कॉन्स्टेंटली शॉट दिए जा रहे हैं, लेकिन अब राइनो गुरु ओजी को कवर देना पड़ेगा तभी इनके प्लेयर आएंगे, क्योंकि पानी में जैसे ही हेड दिखाएंगे हेक्टर यहां से कमाल कर देंगे। चलिए हंटर ओजी को टेक डाउन करते हुए अब बैटल है सिर्फ वैसे प्लेयर वन को टेक डाउन करने की, जो हेक्टर तैनात है। हेक्टर कह रहे नहीं भैया ये फ्रैग तो मेरा है, ये फ्रैग मैं लेके जाऊंगा, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद दूसरी तरफ से नियो लॉक निकाल दे। गुरु ओजी नजर आते हुए, बट हेक्टर ने कहा नहीं मैं ही लेके जाऊंगा। और अभी हमें ब्लाइंड बनी इज लाइफ भी नजर आते हुए, बनी इज लाइफ ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे नियो, काफी हद तक उनका एक विसिनिटी पता चल चुका है, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं लेकिन यस हेक्टर की विसिनिटी पता चल चुकी है। थोड़ा सा फॉल बैक किए और अब हेक्टर की पोजीशन का भी अंदाजा है, बनी इज लाइफ के साथ 1v1 है, देयर वी गो, क्योंकि यहां पे पीछे से नियो आ रहे थे, दैट इज व्हाई हेक्टर ऑप्टेड फॉर द पुश, अदरवाइज हेक्टर शायद पुश ना करते। और यहाँ पे एक अच्छा खासा सिचुएशन नजर आता हुआ, राइनो गुरु ओजी को टेक डाउन करेंगे, प्लेयर वन आखिरी खिलाड़ी बचे हैं फ्रॉम द साइड। और अब नियो और हेक्टर की ये जोड़ी दोबारा से 10 फ्रैग्स का मार्क हिट कर चुकी है, कल के मैच में बैक टू बैक हमने देखा था मल्टीपल मैचेस में निकाल दिए हैं। आई थिंक जब दो प्लेयर्स एलिमिनेट हुए थे तब 5 थे, बावजूद उसके बचे हुए दो खिलाड़ियों ने डबल कर दिए वो फिनिशेस और ट्रिपल भी कर सकते हैं जिस हिसाब से ये सब आगे चल रहा है। ये आया 11वां फिनिश पॉइंट, एक एक करके जिस भी प्लेयर को स्पॉट किया जा रहा है उन्हें डाउन किया जा रहा है। टीम सोल रुक तो अब तक पोजीशन कॉम्प्रोमाइज वैसे तो कर ली है, पता है उन्हें कि प्लेयर्स कौन कौन से एंगल्स पर रहेंगे, बिकॉज मैप नॉलेज इतनी अच्छी है इन दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के पास। गाड़ी जा रही है, बेट बना रहे हैं और 1v1 की अब बैटल बचेगी, बिकॉज जिसे बेट बनाया वो भी डाउन हो गए और जिसने डाउन किया उन्हें भी डाउन कर दिया। तो अब यहाँ पर बचेंगे सिर्फ पापा और सामने रहेंगे हेक्टर, हेड ऑन 1v1 की बैटल, फ्री फायर जहाँ पर करने पड़ेंगे डीबीएस के फटके दोनों ही साइड से आते हुए और हेक्टर वो शॉट करे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट बैक टू बैक ग्रेनेड्स अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा टाइम बाय कर सकते हैं, जितने में एगी एक अच्छा एंगल क्रिएट करके आपको कवर दे सके। जितने भी ग्रेनेड कर रहे हैं फिनिश फील्ड में उसकी किसी की भी एंट्री नहीं मिल रही है। एगी ने वहां पर गॉबलिन को डाउन कर दिया, वन में उनके बैल के अंदर कहीं ना कहीं ओमेगा को भी डाउन कर दिया है। विद इन सेकेंड्स यहाँ पर इक्वेशन जो है वो 2v2 की हो चुकी है। बट अब नियो और हेक्टर दोनों को डाउन करना है, हेक्टर बिल्कुल ओपन से आ रहे हैं, नियो राइट से हेक्टर लेफ्ट से, अगर दोनों को डाउन कर दिया एजे का ये क्लीन 1v3 क्लच रहेगा। नियो ऑन टू द अदर साइड इज ट्राइंग टू प्रोवाइड दैट ट्रैवल टू गॉब्लिन ताकि एक पोजीशन के फेवर में जाए, बेनिफिट मिल सके। बट रैंडम शॉट के चलते स्मोक के बीच में से यूएमपी के हिप फायर से डाउन करा है उन्होंने हेक्टर को भी। अब 1v1 की बैटल रहेगी, एजे बढ़ रही है एक क्लीन 1v3 के लिए स्पॉट करेंगे, बट डीपीएस के चलते
Neo being the savior in this fight. के ऊपर भी काफी distance shots आते हैं. VVL Team Bot ने Hector को down कर दिया गया है. और मैं गाड़ी के meta की बात करता हूँ. Aimbot को उतार दिया है Omega ने गाड़ी से. Neo ने उतारा है. Octavius को उतारा था. और Neo Aimbot को confirm करेंगे. वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए. VVL Jazzy भी नजर आते हुए. Jazzy को भी उतार दिया गया है. IGL अकेले खिलाड़ी बचे हुए. ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे. सामने की तरफ ग्रेनेड का इस्तेमाल करके जाएंगे गॉब्लिन की तरफ. हेक्टर इज ऑलरेडी डाउन. नियो गेट्स डाउन एज वेल. गॉब्लिन और सोल नॉट ओजी के ऊपर प्रेशर आता हुआ. लेकिन आईजीएल अलाइव एंड किकिंग. गॉब्लिन आएंगे राइट साइड से. एंड ऑफ कोर्स द एमवीपी इज देयर. तो इजीली आप फाइट विन कर सकते हैं. टीम फ्री में नॉक होते हुए साई निकल तो चुके थे. एंड ही गेट्स डाउन एज वेल. बट क्या ये नॉक चोरी हो गया है? अंदर की तरफ उरांगुटान वर्सेस टीम सोल होता हुआ. सारंग को मिला है फ्रैग. चलिए मेरा फ्रैग आ चुका है खाते में. बट सारंग गेट्स डाउन एज वेल. इट्स अ ह्यूज ट्रबल. इट्स अ ह्यूज ब्रॉल. ड्रीम्स गेट्स डाउन एंड विल स्मोक. स्मोक्स अवे द टीम एक्सपर्ट. क्या बात है. DBS का मेटा हमारा बच्चा बच्चा जानता है. मायावी मजा आ गया ये फाइट देख के. विन स्मोक ओपी इन द चैट गाइस. मजा आ गया. बट यू नो व्हाट, ये वही खिलाड़ी है जो प्रिंस से भी पंगे ले रहा था. और यहाँ पर अब अपनी DBS से टीम एक्सपर्ट जैसी बड़ी टीम को इन्होंने डाउन करा है. टीम सोल जोन से थोड़ा सा दूर है. नॉट ओजी ओमेगा क्या चलती गाड़ी से यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को पिकअप कर पाएंगे? व्हाट वाज दैट? चलती गाड़ी से उतरे डॉट एचपी पे थे बट क्रॉस एयर प्लेसमेंट इतनी परफेक्ट. दो प्लेयर्स बचे टीम सोल के, नियो और खुद आईजीएल ओमेगा. इसी के साथ पूरा स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ. गुजरात टाइगर्स तीन खिलाड़ी बचे हुए हैं. तीन फ्रैग्स बचे हुए हैं. और अभी सामने यहाँ पे हमें नजर आते हुए सोल के टीम एक्सपर्ट शॉट दे रहे हैं. हॉक ने ओजी को टेकडाउन किया. हॉक भी डाउन होते हुए लेकिन सामने सिक्स आर्स को नॉक कर दिया गया है. S12K का इस्तेमाल करेंगे. गॉब्लिन भी डाउन होते हुए. ओमेगा एंड नियो दो खिलाड़ी बचे हुए. लेट्स सी इनका डायनेमिक डुओ क्या कमाल कर पाएगा या नहीं. गॉब्लिन को रिवाइव करना है लेकिन अभी जाना पड़ेगा सामने की तरफ. एकमात्र फ्रैग आया है. टीम एक्सपर्ट के खिलाड़ी भी नजर आएंगे लेकिन ये अमेजिंग सी बैटल है. पुकार भी है पास में. बट ओ स्काउट कम्स अप विद द DBS. ओमेगा गेट्स डाउन लेकिन सही समय पे बचा लिया. ओमेगा को पुकार भी आ रहे हैं नीचे की तरफ से. पांडा को करेंगे कंफर्म. S12 के हाथ में है. सो पुकार नोज के ऊपर रिवाइवल तो हो रहा है बट नियो तैनात भी है. देखते हैं ओमेगा को बचा पाते हैं या नहीं. नियो FPP पे स्विच कर दिया है. ये गुड ओल्ड डेज याद करते हुए गुड ओल्ड डेज याद आ रहे हैं. पुकार कोशिश करेंगे एंड देवी को नियो अपने को हील कर चुके हैं. उनको पता है फाइट में एंगेज करना पड़ेगा. थ्रू द स्मोक. स्मोक क्रिमिनल बनते हुए पुकार को गया है शट डाउन. भी एक नॉर्मल से असॉल्ट राइफल मिल गई. तो ये तीनों प्लेयर्स एक ही स्प्रे में ओमेगा आराम से डाउन कर देंगे. ये जो डॉट एचपी से भाग रहे हैं, कोई इनसे पूछे कि इतना ओपन से जाने के बाद क्या आपको छोड़ा जाएगा? जवाब है ना. वहां पर एक और एंगल बना दिया, उधर से हेक्टर ने भी बना दिया. हर तरफ से घिर गए हैं. कोई चांस ही नहीं है ये टीम यहाँ से बच जाए. मैं कहता हूँ मैं पूरा प्राइस पूल देने को तैयार हूँ अगर ये टीम बच जाए तो. इतना सिचुएशन खराब है. बट ये बहुत ज्यादा कठिनाई वाला सामना करना पड़ेगा इनको अब. और उधर से नियो और पोलो ने भी अपनी एक 1v1 की सिचुएशन क्रिएट कर ली है. एक क्लोज इन की भी जरूरत नहीं है. पीछे से कहीं ना कहीं ओमेगा इतना अच्छा कवर दे देंगे. वो आखिरी प्लेयर स्पॉट करा बैरल से. ये भी डाउन. किसी ने एक HP का डैमेज तक नहीं लिया इन तीन खिलाड़ियों में से. और चार खिलाड़ी डाउन. बाकी आपको टीम सोल का 4 चिकन डिनर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना. एंड अगर आपने ग्लोबल स्पोर्ट्स का GE फाइट नाइट के टूर्नामेंट में टीम सोल चैंपियन बनी थी, अगर आपने मैचेस नहीं देखे अभी तक तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो. तो बस यही था आज का वीडियो. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ. तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग.